अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कहीं से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बॉक्स ट्राउजर की कटिंग करेंगे। बॉक्स ट्राउजर के लिए हमें कपड़ा चाहिए होता है तकरीबन 2.5 गज। ये 2.5 गज कपड़ा है हमारा। अब इसमें हमने आधा इंच का दबाव रखना है साइड पे। ये हमारा कढ़ाई का मार्जिन हो गया। अब हमने लंबाई रखनी है इसमें 38 इंच। तो देखते हैं, यहाँ पे पहले हमने रन भी है तकरीबन 1.5 इंच कम रखना होता है। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन लगाते हैं, ये। और यहाँ से हम मैच करते हैं, 38 इंच लंबाई है और 2 इंच का नेपा होगा तो 40 इंच का हमारा निशान लगेगा। ये देखिए, तो ये हमने 40 इंच पे ये निशान लगाया है। अब यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेते हैं, ये। और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 15 इंच पे। और इसका सेंटर भी कर लेते हैं, 15 का सेंटर हो जाता है 7.5 इंच। अब ये देखना कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 7.5। अब हम यहाँ पे 7.5 इंच पे ही निशान लगाते हैं। अब यहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं 11 इंच का, यानी 5.5 इंच यहाँ पे करेंगे हम और 5.5 ही इधर, यानी कि ये हो गया 11 इंच। दूसरा निशान लगेगा यहाँ पे हमारा 14.5 इंच पे, और एक निशान यहाँ पे भी लगा लेते हैं हम 14.5 पे। तो जितना गैप यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, ये तकरीबन 2 इंच, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से हमने नापना है इसका, ये है हमारा 11 इंच, तो ये 11 इंच का निशान हमारा यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे हम इसकी ये सीधी लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। और ये निशान हम यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये आसन। अब ये 11 पे था तो 2 इंच इसको हमने यहाँ से बढ़ा लेना है, तो ये 13 इंच पे आ गया। और यहाँ पे हम इसकी गोलाई दे देंगे आसन की। अब हमने यहाँ से इसको बिल्कुल सीधा ही निशान लगाना है यहाँ पे, देखिए इस तरह से। अब ये निशान हमारा यहाँ पे आपस में मिलेगा और ये वाला यहाँ पे, तो ये देखें, ये निशान अब हम यहाँ पे मिला लेते हैं इस तरह से। और ये वाला निशान हम यहाँ पे लगाते हैं। ये हमारा बॉक्स ट्राउजर, अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। पहले फ्रंट के पल्ले कटिंग होंगे, फिर बैक कटिंग होगी। यहाँ से हम पहले ही कटिंग कर लेते हैं। ये नीचे हमारा 5 इंच का दबाव आएगा, पहले 2 पल्ले उठा के मैंने कटिंग करनी है। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे हम सिलाई के लिए, और यहाँ पर भी 1/2 इंच ही छोड़ना है। तो ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया है ट्राउजर का। अब हमने इसकी बैक कटिंग करनी है। ये निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे भी निशान लगा लेते हैं। अब हमने यहाँ पे भी 2 इंच बढ़ाकर कटिंग करनी है। अब चाहे तो हम इस निशान पे लगा लें या यहाँ से 2 इंच लगा लें। हम यहाँ पे 2 इंच यहाँ से लगा लेते हैं और इसी निशान पे कटिंग कर देंगे। ये 2 इंच यहाँ से बढ़ाना है हमने इस तरह को। अब यहाँ पे सीधा निशान लगा लेते हैं। एक निशान ये लगा लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमने गोलाई दे देनी है। अब बैग हमने यहाँ से बड़ी रखनी है तकरीबन, ये देखें, ये तकरीबन 1.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पे हमने इस तरह इसको निशान लगाना है, ये शेप पट्टी की मदद से ऐसे हम इसका निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह निशान लगाने से जब हम नेफा इसका मोड़ते हैं तो बड़ा आसानी से मोड़ जाता है।
अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो यहाँ पे नुक्कड़ निकल आती है, और नुक्कड़ निकलने की वजह से इसको मोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये हल्की सी गुलाई के साथ है, ये बहुत ईजी सिलाई होगा हमारा। चलिए अब इसकी भी मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अब ये हमने निशान पे ही कटिंग करनी है, क्योंकि हमने ये दबाव इसी में छोड़ दिया पहले से ही। और यहाँ पे हमने कट लगाना है पहले, और यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का दबाव छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे, क्योंकि ये रेडीमेड है। अगर हमें लूज करना पड़ा तो हम कल को इसको लूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम कट लगा लेते हैं, एक यहाँ लगा लेते हैं, एक यहाँ। जीत वीवर्स, ये हो गई हमारे बॉक्स ट्राउजर की कटिंग। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।